हेलो दोस्तों, आप देख रहे हैं चैनल अमीन इन्फो। और दोस्तों, आज इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे, अगर आप दिल्ली यूनिवर्सिटी से एमकॉम करना चाहते हैं रेगुलर या फिर एसओएल से, तो दोस्तों उसका जो एंट्रेंस एग्ज़ाम होता है उसका सिलेबस क्या होता है, वो आज हम डिस्कस करेंगे। और दोस्तों, लास्ट ईयर का पेपर भी मैं आपको बताऊँगा कैसा है, और इसके अलावा जो लास्ट ईयर कट ऑफ गई थी वो भी आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं इस वीडियो को। सबसे पहले दोस्तों, यदि आप एमकॉम में एडमिशन लेना चाहते हैं तो उसके लिए आपको ऑनलाइन रजिस्टर करना पड़ता है, चाहे फिर वो एसओएल के लिए हो या रेगुलर के लिए हो, दोनों के लिए एक ही बार आपको रजिस्टर करना होता है ऑनलाइन। ₹500 इसकी लास्ट ईयर फीस थी, हो सकता है इस साल एक्सटेंड हो जाए। जनरल कैटेगरी की बात कर रहा हूँ मैं, बाकी ओबीसी वगैरह के लिए ₹250 इसकी फ़ीस रहती है। अब दोस्तों, बात करूँ यहाँ पे एडमिशन की, दोस्तों इसमें एडमिशन के दो प्रोसेस होते हैं, एक होता है एंट्रेंस बेस के थ्रू और दूसरा होता है मेरिट बेस के थ्रू। दोस्तों, जो एंट्रेंस बेस के थ्रू होता है वो ऑल ओवर इंडिया कहीं से भी अप्लाई कर रहे हैं उनके लिए होता है, और ऑल ओवर इंडिया दोस्तों किसी भी यूनिवर्सिटी से अप्लाई कर रहे हैं तो वो उनके लिए एंट्रेंस बेस के थ्रू होता है। और दोस्तों, दूसरा होता है मेरिट बेस। मेरिट बेस के लिए जो एडमिशन होता है वो होता है उन स्टूडेंट के लिए जो दिल्ली यूनिवर्सिटी से ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। अब दोस्तों, मेरिट बेस में यदि आप एडमिशन लेना चाहते हैं तो आपके बीकॉम या फिर बीकॉम ऑनर्स में दिल्ली यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन में तो रिक्वायर्ड नंबर ऑफ परसेंटेज होती है 70% होते हैं आपके, मतलब 70% मार्क्स एटलीस्ट इसमें आपको लाने पड़ते हैं। और बीकॉम ऑनर्स के लिए 65% इसकी कट ऑफ रहती है जो मेरिट बेस पे एडमिशन लेना चाहते हैं, डायरेक्ट एडमिशन। इसके अलावा दोस्तों, आप दोनों के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं, मेरिट के लिए भी और एंट्रेंस बेस के लिए भी। जब आप ऑनलाइन फॉर्म फिल करते हैं दिल्ली यूनिवर्सिटी का, तो वहाँ पर आपको ऑप्शन मिलता है कि आप किस कोर्स के लिए किस बेसिस पर अप्लाई करेंगे, एंट्रेंस बेस पर या फिर मेरिट बेस पे। इसके अलावा अगर हम डिस्कस करें दोस्तों एंट्रेंस एग्ज़ाम के सिलेबस की, तो वो आपको कहाँ से मिलेगा, आपको दिल्ली यूनिवर्सिटी कॉमर्स डिपार्टमेंट की जो ऑफिशियल वेबसाइट है वहाँ पर आ जाना है। चलिए दोस्तों, मैं इसकी ऑफिशियल वेबसाइट खोल लेता हूँ। यहाँ पर आपको इसका एंट्रेंस एग्ज़ाम का जो सिलेबस है वो मिलेगा, और जो पैटर्न रहने वाला होता है वो आपको इसमें मिल जाएगा। दोस्तों, ये है ऑफिशियल वेबसाइट। वेबसाइट पर जब आप आएंगे कॉमर्स डिपार्टमेंट की, तो यहाँ से आपको एमकॉम वाले लिंक पर जाना है। तो दोस्तों, जब उस वाले लिंक पर आएंगे तो देखिए सारा जो कोर्स का स्ट्रक्चर है, सारा पैटर्न वगैरह सब कुछ डिटेल्स आपके सामने खुलेगी। 2 साल का एक कोर्स होता है। यहाँ पे एडमिशन प्रोसेस की बात करें दोस्तों, तो ऑनलाइन रजिस्टर करना पड़ता है आपके पास, वहाँ पे कैटेगरी भी सिलेक्ट करनी होती है, कैटेगरी ए या बी। इसके बाद एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, दोस्तों कैटेगरी का मतलब है एंट्रेंस या फिर मेरिट, ए या बी का मतलब है एंट्रेंस या मेरिट, या फिर दोस्तों आप दोनों के बेसिस पर भी अप्लाई कर सकते हैं। डॉक्यूमेंट क्या क्या चाहिए आपको, एंट्रेंस टेस्ट कैसा होता है, एडमिशन प्रोसेस और फीस। यहाँ पे देखिए दोस्तों, ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन DU की वेबसाइट पर आता है, जो कि मई के फर्स्ट वीक में चांसेस हैं स्टार्ट होने के। इसके अलावा कैटेगरी की बात करें दोस्तों, तो 2 कैटेगरी होती है यहाँ पे एडमिशन के लिए। यहाँ पे मैं जैसे कि मैंने आपको बताया, डायरेक्ट एडमिशन के थ्रू भी होता है, और डायरेक्ट एडमिशन ओनली दिल्ली यूनिवर्सिटी स्टूडेंट के लिए होता है, ठीक है। हाउएवर, फुलफिलिंग द एलिजिबिलिटी एंड सिक्योरिटी द रिक्वायर्ड परसेंटेज ऑफ मार्क्स डज नॉट इंश्योर ऑटोमेटिक डायरेक्ट एडमिशन। दिस इज बिकॉज टोटल नंबर ऑफ कैंडिडेट्स फुलफिलिंग द एलिजिबिलिटी आर सिक्योरिंग द क्वालिफाइंग मार्क्स अबव एक्सीड द अवेलेबल सीट्स। अब दोस्तों क्या होता है, ऐसे बहुत सारे कैंडिडेट होंगे जो डायरेक्ट एडमिशन के लिए एलिजिबल होंगे, तो हर कैंडिडेट का इसमें डायरेक्ट बेस पे एडमिशन नहीं होता है। उसका रीज़न ये है दोस्तों, क्योंकि सीट्स जो होती हैं डायरेक्ट एडमिशन के लिए वो 50% होती हैं, और उसमें जो सीट्स में जैसे किसी के बीकॉम ऑनर्स में 70% मार्क्स हैं और दूसरे बंदे के 80% मार्क्स हैं, तो 80% वाले का हो जाएगा डायरेक्ट एडमिशन के थ्रू, 70% वाले का नहीं होगा, क्योंकि सीट्स उसमें कम रहती हैं। और एंट्रेंस टेस्ट की अगर हम बात करें यहाँ पर, तो नीचे आपको एंट्रेंस टेस्ट भी मिल जाएगा कि उसका पैटर्न कैसे रहने वाला होता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं एंट्रेंस टेस्ट क्वेश्चन ड्यूरेशन एंड स्कोप। दोस्तों, 400 मार्क्स का पेपर होता ही है, जिसमें एंट्रेंस टेस्ट इज ऑफ 2 आवर्स ड्यूरेशन एंड शॉल कैरी 400 मार्क्स। रिटन टेस्ट शॉल बी बेस्ड ऑन द फॉलोइंग सिलेबस एंड शॉल कंटेन 100 ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन, 25 क्वेश्चन ब्रॉडली फ्रॉम ईच ऑफ द यूनिट। दोस्तों, 100 क्वेश्चंस होते हैं, 1 क्वेश्चन के 4 मार्क्स होते हैं, और नेगेटिव मार्किंग भी इसमें होती है 0.25 मार्क्स की। अब जो 100 क्वेश्चंस होंगे उसको डिवाइड किया गया है 4 सेक्शन में, यूनिट 1, 2, 3, 4, हर यूनिट में से 4 क्वेश्चन होंगे। अब जो फर्स्ट यूनिट है वो होती है आपकी इकोनॉमिक्स, इंक्लूडिंग इसमें माइक्रो इकोनॉमिक्स, मैक्रो इकोनॉमिक्स और प्रॉब्लम ऑफ इंडियन इकोनॉमी, ठीक है। दोस्तों, ये ग्रेजुएशन लेवल के बेसिस पर ही क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। यूनिट टू की बात करें तो इसमें अकाउंटिंग होती है, जिसमें आपका फाइनेंशियल, कॉरपोरेट कॉस्ट और मैनेजमेंट अकाउंटिंग कवर होता है। फिर आपका यूनिट 3 में बिजनेस स्टैट्स और मैथमेटिक्स होता है, और फिर यूनिट 4 में बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन मैनेजमेंट,
बिजनेस लॉ, कंपनी लॉ और इनकम टैक्स लॉ। ईच ऑफ द फोर यूनिट्स कैरी इक्वल वेटेज अबव सिलेबस इज ड्रॉन फ्रॉम द करंट बी कॉम ऑनर्स एंड कोर्स ऑफ यूनिवर्सिटी ऑफ डेली ग्रेजुएशन दिस ईयर। दोस्तों जो यूनिवर्सिटी ऑफ डेली का बी कॉम और बी कॉम ऑनर्स का सिलेबस है उसी के बेसिस पर आपको प्रिपरेशन करनी होती है। ईच क्वेश्चन वुड कैरी फोर मार्क्स एंड अ रॉन्ग आंसर वुड रिजल्ट इन नेगेटिव मार्किंग ऑफ वन मार्क्स। सॉरी दोस्तों, एक एक नंबर की होती है नेगेटिव मार्किंग। मैंने आपको पहले 0.25 बताया था तो उसके लिए हम माफी चाहते हैं। एक नंबर की आपको जो इसमें नेगेटिव मार्किंग होगी वो देनी होगी। अगर हम बात करें एडमिशन प्रोसेस की तो एडमिशन प्रोसेस एंड द शेड्यूल वुड बी एज पर यूनिवर्सिटी ऑफ डेली नोटिफिकेशन। जो भी नोटिफिकेशन रिलीज होगी उसी के अकॉर्डिंग सारा एडमिशन प्रोसेस चलेगा। पहले आपको ऑनलाइन रजिस्टर करना होता है, उसकी फीस सब कुछ भरनी होती है और दोस्तों उसके बाद आपका पोर्टल दोबारा खुलता है जैसे ही आपका रिजल्ट डिक्लेयर हो जाता है। आप उसमें फिर अपना जो मार्क्स होते हैं वो अपलोड कर सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों मार्क्स अपलोड करने के बाद आप अपना उसमें कॉलेज प्रेफरेंस भी सेट कर सकते हैं, यानी जिन जिन कॉलेजेस में एमकॉम अवेलेबल है यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली के, वहाँ पर आपको ऑनलाइन फॉर्म में कॉलेज प्रेफरेंस सेट करने का भी ऑप्शन मिलता है। यदि आप स्कूल ऑफ ओपन लर्निंग में चाहते हैं एडमिशन लेना तो उसका भी ऑप्शन आपको वहाँ पर मिलता है। फीस की बात करें दोस्तों 4,000 रुपये फीस होती है डिपार्टमेंट ऑफ कॉमर्स की। दोस्तों ये फीस जो है डिपार्टमेंट ऑफ कॉमर्स की है, बाकी जो डिफरेंट कॉलेजेस होते हैं उनकी अपनी फीस स्ट्रक्चर होता है, तो आप कॉलेजेस की वेबसाइट पर जाकर चेक कर सकते हैं। नंबर ऑफ़ सीट्स की बात करें दोस्तों तो टोटल सीट 181 सीट्स हैं जनरल कैटेगरी में, ठीक है दोस्तों, जिसमें डिवाइड किया गया है डायरेक्ट और एंट्रेंस बेसिस पे। डायरेक्ट एडमिशन के लिए 88 हैं और एंट्रेंस के लिए 93 हैं। तो दोस्तों सीट्स यहाँ पर बहुत कम होते हैं, इस वजह से ऐसी कट ऑफ भी बहुत ज़्यादा जाती है। अगर हम उसकी बात करें कट ऑफ की लास्ट ईयर की तो दोस्तों वो भी आपको इसी वेबसाइट पर मिलेगा। एमकॉम का सिलेबस भी यहाँ पे क्यों है दोस्तों, जो सब्जेक्ट आप एमकॉम में पढ़ेंगे उसका सिलेबस भी यहाँ पे आपको मिल जाएगा। अब अगर हम बात करें दोस्तों कट ऑफ की, दोस्तों इसी वेबसाइट पर आपको कट ऑफ लिस्ट मिलेगी लास्ट ईयर की, जिसमें आप देख सकते हैं कि किस किस कैटेगरी में कितनी इसकी कट ऑफ गई थी। उसके लिए दोस्तों आपको कट ऑफ देखने के लिए यहाँ पर नोटिफिकेशन का एक लिंक होगा, उस वाले लिंक पर आपको जाना है। दोस्तों यहाँ पर जब आप आएंगे तो काफ़ी सारी नोटिफिकेशन के PDF आपके सामने खुल जाएंगे, तो यहाँ पर आपको दिक्कत हो सकती है फाइंड करने में कि आप 2018 की कट ऑफ कैसे चेक करेंगे। तो दोस्तों आसानी के लिए आपको क्या करना है, अपने क्रोम ब्राउज़र की सेटिंग में जाकर फाइंड इन पेज पर क्लिक करना है। आपको फाइंड इन पेज पर क्लिक करेंगे तो यहाँ से आपको सर्च करना होगा। सिंपली आप फर्स्ट सर्च सेलेक्ट कर लेंगे, फर्स्ट को सर्च करेंगे तो यहाँ पर देखिए नोटिफिकेशन नंबर 228 एमकॉम फर्स्ट एडमिशन लिस्ट, ठीक है। चलिए इसको डाउनलोड करते हैं। यहाँ पर आ गए हम तो यहाँ पर देख सकते हैं एमकॉम फर्स्ट एडमिशन लिस्ट का PDF जो होगा वो आपके सामने खुल जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं कैटेगरी वाइज जो कट ऑफ थी वो यहाँ पर आप देख सकते हैं। एंट्रेंस बेस की बात करें पहले, सबसे पहले जनरल कैटेगरी के लिए, तो दोस्तों यहाँ पर जो कट ऑफ गई थी 287 गई थी, 297 वाले का कट ऑफ गया था इनका, डिपार्टमेंट ऑफ कॉमर्स में इनका एडमिशन हुआ था। ये जनरल कैटेगरी वाले की लिस्ट है दोस्तों। यहाँ पर फिर 282, 295, 281, 279। दोस्तों फर्स्ट लिस्ट में जो जनरल कैटेगरी का लास्ट जो सीट्स थी उसकी अगर हम बात करें तो यहाँ पर नीचे आएंगे आप अनरिजर्व कैटेगरी में ही, तो 297 से लेकर 217 तक का इसमें फर्स्ट कट ऑफ लिस्ट में नाम आया था। अब दोस्तों यहाँ पर देखिए 217 जिसका नाम आया था उसका जो रैंक थी वो थी 50th रैंक थी इसकी, और इसमें जो क्वालिफाइंग मार्क्स थे उसके, यानी जो अंडर ग्रेजुएट डिग्री में उसके मार्क्स थे वो 73 थे। तो फिलहाल इससे तो फ़र्क नहीं पड़ता क्योंकि यहाँ तो एंट्रेंस बेस की लिस्ट है, और नीचे जब आप आएंगे एंट्रेंस बेस में OBC की, तो OBC की जो फर्स्ट कट ऑफ गई थी वो 247 गई थी और इनकी 22 रैंक आई थी और इनके क्वालिफाइंग एग्ज़ाम थे मार्क्स थे 79। ठीक उसी तरीके दोस्तों जो और भी कैटेगरीज हैं उसकी भी आप यहाँ पे लिस्ट चेक कर सकते हैं। OBC की जो लास्ट कट ऑफ यहाँ पे अगर हम डिस्कस करें एंट्रेंस बेस के थ्रू तो वो गई थी 187, यानी जो 187 मार्क्स जिसके OBC कैटेगरी में उसका भी फर्स्ट कट ऑफ लिस्ट में नाम आ गया था। यहाँ पे SC कैटेगरी की बात करें तो 234 यहाँ पे इनके फाइनल एंट्रेंस मार्क्स थे SC कैटेगरी वालों के, और जो लास्ट कैंडिडेट था SC वालों का उसके थे यहाँ पर थे उसके 174 मार्क्स। तो इसी तरीके दोस्तों यहाँ पर ST कैटेगरी के भी आप यहाँ पर चेक कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर सिक्स कैंडिडेट के, यानी और उसके बाद यहाँ पर आपका जो डायरेक्ट एडमिशन है उसकी लिस्ट भी अवेलेबल है।
अब यहाँ देखिए डायरेक्ट एडमिशन की अगर हम बात करें तो यहाँ पर क्वालिफाइंग मार्क्स थे इसके 100% मार्क्स थे इसके। श्री राम कॉलेज ऑफ कॉमर्स में इनका एडमिशन हुआ था, फिर 95 वाले का हुआ था। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं दोस्तों, जो डायरेक्ट एडमिशन का जो लिस्ट है जनरल कैटेगरी की, उसमें लास्ट जिसका एडमिशन हुआ था फर्स्ट लिस्ट में, उसकी अगर हम बात करें तो यहाँ पर जिसका लास्ट एडमिशन हुआ था उसकी परसेंटेज थी 82.77। यानी जिसकी 82.77% थी उसका एडमिशन डायरेक्ट बेस के थ्रू हुआ था फर्स्ट कट ऑफ लिस्ट में, ये लास्ट का मैं बता रहा हूँ। और फर्स्ट वाले का आपने देख ही लिया 100% थी। और ओबीसी में दोस्तों 85.23 मार्क्स थे और कट ऑफ इसकी गई थी, यहाँ पे लास्ट कट ऑफ जो गई थी इसकी 76.70। ठीक उसी तरीके दोस्तों एस सी कैटेगरी में भी आप डायरेक्ट एडमिशन की फर्स्ट लिस्ट चेक कर सकते हैं। अब अगर आप बात करें सेकेंड लिस्ट की दोस्तों, आपको यहाँ पे जब आपने फाइंड इन पेज पे करते तो वहाँ पर सेकंड लिख देंगे तो आपको सेकंड का भी ऑप्शन मिल जाएगा। जैसे फाइंड इन पेज में कम गए, अब यहाँ पे हम लिखेंगे सेकंड लिस्ट। दोस्तों याद रखिएगा, आपको नोटिफिकेशन में जाकर ही आपको इसमें करना होगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं एम कॉम सेकेंड एडमिशन लिस्ट 2017। दोस्तों यहाँ पर 2017 की भी अवेलेबल है, तो अगर आप चाहें तो 2017 की भी चेक कर सकते हैं, या फिर आप 2018 की भी चेक कर सकते हैं। फिलहाल जो मैंने अभी आपको बताया था वो 2018 की थी, तो हम दोबारा एक बार 2018 की ही इसकी कट ऑफ देख लेते हैं कि एम कॉम की 2018 की कट ऑफ कितनी गई थी। तो यहाँ पर अभी हम सर्च कर रहे हैं, ये देखिए यहाँ पे येलो मार्क्स आ गया सेकेंड एडमिशन लिस्ट एम कॉम 2018। तो चलिए दोस्तों इसको भी हम दोबारा डाउनलोड कर लेते हैं। तो ये हमारे पास पीडीएफ फॉर्मेट में आ गई। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों, तो सेकेंड कट ऑफ लिस्ट थी उसमें 248 मार्क्स वाले का एडमिशन हुआ था एंट्रेंस बेस में जनरल कैटेगरी में, उसकी रैंक थी 21। और लास्ट जो एडमिशन हुआ था अनरिजर्व कैटेगरी में सेकेंड लिस्ट में, तो उसकी अगर हम यहाँ पे बात करें तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 212 मार्क्स थे उसका यहाँ पे एडमिशन हुआ था। और ठीक उसी तरीके से ओबीसी की बात करें तो 210 वाले का, और लास्ट बात करें ओबीसी की तो लास्ट जो कैंडिडेट था ओबीसी में सेकंड कैटेगरी में एंट्रेंस बेस के थ्रू उसके 180 मार्क्स थे, ये देखिए 180 मार्क्स। ठीक उसी तरीके दोस्तों अगर हम यहाँ पे बात करें एसटी एसटी कैटेगरी के लिए, तो उनके लिए भी आप यहाँ पर चेक कर सकते हैं। और अगर अनरिजर्व में मेरिट बेस पर बात करें तो जो सेकेंड लिस्ट थी उसमें जो अनरिजर्व कैटेगरी का जो फर्स्ट मार्क्स था वो 85.63 थे। यहाँ पे दिनशा जैन का एडमिशन हुआ था, इनके 85.63 मार्क्स थे क्वालिफाइंग डिग्री में, यानी इनका एडमिशन मेरिट बेस पे हुआ था। और यहाँ पे मेरिट बेस में अगर हम बात करें तो लास्ट कट ऑफ थी 80.88 थी सेकेंड लिस्ट में, 80.85 सेकेंड लिस्ट में जो मेरिट बेस पे एडमिशन हुआ था उनकी कट ऑफ। और ओबीसी में यहाँ पे 81.00 गई थी, और फिर 75.80 भी गई थी। तो दोस्तों इसी तरीके से तो और भी कट ऑफ थी यहाँ पे सेकंड के बाद थर्ड कट ऑफ, उसी तरीके से आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं। अब दोस्तों बात करते हैं हम इसके एंट्रेंस एग्ज़ाम का सिलेबस, मैं आपको एक बार इसका दिखा देता हूँ। तो दोस्तों ये है इसका एम कॉम का क्वेश्चन पेपर। दोस्तों ये क्वेश्चन पेपर मेरा पेपर आपको यूनिवर्सिटी की वेबसाइट से मिल तो जाएगा, लेकिन आपको काफ़ी उसमें सर्च करना पड़ेगा। फिलहाल ये मेरे पास पेपर इसलिए है क्योंकि मैंने खुद लास्ट ईयर एंट्रेंस एग्ज़ाम इसका दिया था, इस वजह से। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जैसे फर्स्ट क्वेश्चन की हम बात करें, प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन आ गया, यानी ये बिजनेस स्टेट्स का क्वेश्चन यहाँ पर आपके सामने आ गया, बिजनेस मैथमेटिक्स का। फिर प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इज़ 0.5 एंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इज़ 0.2 एंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ द यूनियन ऑफ ए एंड बी इज़ 0.7। देन क्वेश्चन आई डी, देन ए एंड बी आर डिपेंडेंट या इंडिपेंडेंट या म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, या फिर जो भी आपको ऑप्शन यहाँ पर नज़र आ रहा है उसको आप चेक कर सकते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 2 आ गया, जैसे क्वान्टिटी ऑफ द कमोडिटी डिमांडेड रिमेन अनचेंज एज इट्स प्राइस चेंजेस, दिस कोएफिशिएंट ऑफ प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज, यानी प्राइस पे इफेक्ट पड़ा डिमांड का या नहीं, वो यहाँ पे चेक बता रहा है, तो उसको आप इसके हिसाब से चेक कर सकते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों क्वेश्चन पेपर का पूरा पैटर्न यहाँ पे गिवन होगा, यहाँ पे क्वेश्चन आईडी गिवन है। क्वेश्चन आईडी इसलिए गिवन है दोस्तों यहाँ पे क्योंकि जब आंसर की इसकी आती है तो उस आंसर की को आपको यदि चैलेंज करना होता है तो वहाँ पर क्वेश्चन आईडी ही आपकी काम आती है, क्वेश्चन नंबर आपका कहाँ पर काम नहीं आता। यहाँ पे अकाउंटिंग का क्वेश्चन आया हुआ, जैसे विच ऑफ द फॉलोइंग आर नॉट ट्रू फॉर बैंक रिकंसिलेशन स्टेटमेंट, तो
तो बैंक रिकंसिलेशन स्टेटमेंट के लिए क्या क्या इसमें ट्रू नहीं है? पार्ट ऑफ डबल एंट्री सिस्टम, नॉट पार्ट ऑफ डबल एंट्री सिस्टम, सेंड बाय द फर्म टू द बैंक, पोस्टेड टू द लेजर अकाउंट। तो यहाँ पे जो बी ऑप्शन है ऑब्वियसली वही हमको करेक्ट लग रहा है, तो यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ ट्रेड डेफिसिट? ट्रेड डेफिसिट क्या होता है? अगर सेविंग कम हो, इन्वेस्टमेंट ज़्यादा हो तो, या फिर एक्सपोर्ट्स कम हो, इम्पोर्ट्स ज़्यादा हो तो, या फिर नेट एक्सपोर्ट्स कम हो, या फिर ऑल ऑफ दिस। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं क्या क्या ट्रेड डेफिसिट इसमें होता है। आप यहाँ पर डिमांड ड्राफ्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग चेंजेस वुड नॉट शिफ्ट द डिमांड ड्राफ्ट का फॉर अ गुड और सर्विसेज, यानी इन सब चेंजेस में से कौन सा ऐसा चेंज होगा जो डिमांड को चेंज नहीं करेगा? चेंज इन प्राइस ऑफ द गुड और सर्विसेज, चेंज इन प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड और सर्विसेज, चेंज इन इनकम, या फिर चेंज इन एक्सपेक्टेशन अबाउट फ्यूचर प्राइस ऑफ द गुड और सर्विसेज। दोस्तों ऊपर के तीन वाले तो हमको लग रहे हैं ऑब्वियसली चेंज करेंगे डिमांड को, लेकिन जो लास्ट वाला स्टेप है यानी चेंज इन एक्सपेक्टेशन अबाउट द फ्यूचर प्राइस, तो वो कम चांसेस चेंज होने के, तो उसको हम यहाँ पे चूज़ कर देंगे। यहाँ पे करेक्ट आंसर है चेंज इन प्राइस ऑफ द गुड और सर्विसेज। इसके अलावा दोस्तों जो नेक्स्ट क्वेश्चन है इसी तरीके से आप इसके आंसर चेक कर सकते हैं, यहाँ पे करेक्ट आंसर भी अवेलेबल होंगे। यदि आपको ये क्वेश्चन पेपर चाहिए तो आप कमेंट सेक्शन में लिखकर बताइए, आपको मैं क्वेश्चन पेपर ये प्रोवाइड कर दूंगा। फिलहाल दोस्तों आज की इस वीडियो में इतना ही। ये वीडियो अगर आपको पसंद आई होगी तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और दोस्तों अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। शुक्रिया।